भाई साहब इधर ठंड तो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली मतलब रात के 2-3 बजे से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। उससे पहले तक फिर भी ठीक था माहौल, पर फिर ठंड बढ़नी चालू हुई और अभी तो ऐसा सीन है कि बाहर पे खड़ा नहीं रहा जा रहा। दोस्तों अभी बन रहा ब्रेकफास्ट, वही अपना फेवरेट नाश्ता, ब्रेड ऑमलेट चाय, और फिर इसके बाद कैम भी आधा सेट हो चुके हैं, सामान थोड़ा सा देखा रखा, और इसको भी बैग में समेट देंगे तो फिर ऊपर के लिए निकल जाएंगे। बस बस तो गाइस चाय बन चुकी है और नाश्ता भी रेडी है, तो अभी इसको करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से, है ना। तो दोस्तों इस गांव के थोड़ा से ऊपर पे थे हम कल रात को, और आज वहाँ से चलते 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 यहाँ ऊपर तक आ गए। और गांव वाले बता रहे थे कि यहाँ पे कहीं एक पुरानी कॉपर माइन है, पर हम ढूंढ रहे थे, हमें मिली नहीं। वो देखो मेरे साथ वाला वहाँ नीचे पे खड़ा है ढूंढने के लिए, पर मिल नहीं रही शायद उसको। तो अभी हम चलेंगे ऊपर के लिए, और होगा 1-2 किलोमीटर और होगा अभी। ओके तो पहुंच गए हम एक दूसरी लोकेशन पे, जो कि मतलब कल रात को हम बिल्कुल नीचे थे और आज हम बिल्कुल टॉप में हैं। हमें इसी रूट से घर भी जाना है, इसी रूट से हम आए थे। तो जाते टाइम हमने यहाँ पे देख लिया था कि यहाँ पे लगाएंगे हम दूसरे दिन का टेंट, तो आज दूसरा दिन है और अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं।
आग वाग के लिए लकड़ियाँ हम पहले ही जमा कर चुके थे, तो अभी कैंप लगाते हैं, उसके बाद रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत टाइम है। आज अभी 2 बज रहा, तो अभी तो पूरा दिन पड़ा है, आराम से इधर उधर घूमेंगे। ये क्योंकि अब बहुत बड़ा जंगल है, तो उसके हिसाब से हमें लकड़ियाँ भी ज़्यादा चाहिए थी, तो रात को जला देंगे तो भालू नहीं आएगा, क्योंकि भालू बहुत ज़्यादा रहता है इस जंगल में। तो दिखाते हैं आपको अभी कैंपिंग वगैरह कैसे लगा रहे हैं। दोस्तों ये है रात के लिए लकड़ियाँ, और टेंट अपना लग ही चुका है, तो अभी अंदर स्लीपिंग बैग वगैरह लग रहे हैं। अभी अभी कर रहे हैं डिनर की तैयारी। डिनर में बनाएंगे मिक्स वेज पुलाव और एक आलू का सैलेड, जिसमें आलू को ये आग में ही पकाना पड़ता है। तो अभी मैं पुलाव के लिए कटिंग कर रहा हूँ, और थोड़ा सा सैलेड के लिए भी। यहाँ ऊपर हवा बहुत चल रही, मुझे डर है कि कहीं मेरा टेंट ना जल जाए।
ये बनना पुलाव, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको कुक होने में। और ये सैलेड अपना, ये सैलेड हमारे पास चने भिगो के रखे थे तो उसी को, और आलू थे कुछ पड़े हुए, तो ये आलू को हमने थोड़ा आग में डाल दिया था और उसको तोड़ के चने के साथ मिक्स कर दिया, प्याज टमाटर डाल के और ऊपर से एक नींबू। ये हो गया अपना सैलेड। ऊपर से एक नींबू डालते, हो जाएगा बढ़िया सा नींबू, बढ़िया सा सैलेड। सैलेड तो रेडी है, अब पुलाव का वेट करेंगे। ये देखो सैलेड, हो गया सैलेड और ये हो गया पुलाव। तो ये रेडी हो गया और हम लोग अभी खाएंगे नहीं इसको, थोड़ा सा वेट करके खाएंगे आराम से। तब तक ये आग वाग जल रही बढ़िया, तो इसको आग सेकते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद खाते हैं बस। तो दोस्तों ये अभी हम खाने की तैयारी में है इसको, और अभी बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि अंदर ही बैठ के खाते हैं। बाहर पे आग भी है वैसे, पर आग से धुआं धुआं मुँह में जा रहा था, खाना नहीं खाया जाएगा। तो अभी तैयारी में है ये हमारा भाई अर्जुन, और अभी करते हैं इसको फिनिश। तो अभी इसको रखते हैं प्लेट में, मैं ही दे देता हूँ। वैसे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही इसकी, आई होप खाने में भी उतना ही बढ़िया हो। बाहर बहुत तेज़ हवा है और ये आ गया थोड़ा थोड़ा सैलेड। सैलेड भी बढ़िया है, ठंडा भी है बाहर पर अंदर उतना महसूस नहीं हो रहा ठंडा, क्योंकि बाहर पे आग भी जल रही और गर्म कपड़े भी पहने हमने। परफेक्ट है एकदम, या हवा से राख उड़ रही बहुत तेज। और मुझे ये भी डर है कहीं टेंट ना जल जाए रात को, तो सोने से पहले थोड़ा सेफ्टी करनी पड़ेगी। मज़ा आ रहा है इसको खाने में, वैसे परसों लेके आए थे हम दो पावर बैंक, एक बिल्कुल डेड हो चुका है और एक ही बचा है, उस पर अब ये लाइट जल रही, फ़ोन भी उसी पर चार्ज होगा और कैमरा भी उसी पर चार्ज होगा। वैसे भी कल सुबह तक के लिए चाहिए हमें, तो कल सुबह तक हम चले जाएंगे, तो हम मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह। अभी हम खाना वाना खा के फिर सो जाते हैं बढ़िया।
आपसे मुलाकात होगी सीधे कल सुबह। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 8 और ये बैग तैयार है और हमारा 3 दिनों का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। तो आप लोगों से मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत मज़ा आया यहाँ दोनों तीनों दिन। थोड़ा चढ़ने में प्रॉब्लम हुई पर ठीक है, इतना बढ़िया नज़ारा देखने के लिए थोड़ा बहुत चलता है। तो आपसे सीधे मिलेंगे अगली वीडियो में और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए धन्यवाद।